यार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें। पर यार जब से मैंने ये फोन लिया है माइक्रोमैक्स का N1, उसके कुछ दिनों बाद मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई, विच इज कि इसके फ्रंट कैमरे में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स आ गए थे। तो शुरुआत में ये पार्टिकल्स काफी कम थे और मेरे यूनिट के साथ हुआ, बिकॉज जो मेरे दोस्त पे था उसमें ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे को लगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे ही साथ है, बट जैसे जैसे मैं इसकी काफ़ी सारी वीडियोस बनाता गया, आप वैसे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आने लगे। बट जब कमेंट का स्तर छोटा था तब मेरे को लगा कि ये शायद वो लोग हैं जो माइक्रोमैक्स को डिफेम करना चाहते हैं, माइक्रोमैक्स को डिसलाइक करते हैं। बट जब कमेंट बहुत ज़्यादा हो गई तब मेरे को लगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम सही है, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और क्या कारण है, कैसे सही हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, जो भी कुछ है उसकी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता है। तो हे व्हाट्सएप पीपल, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल विशाल यूट्यूब चैनल, जिसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। और आप जल्दी जल्दी हमारी 8K की फैमिली भी कंप्लीट होने वाली है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। पहली, ये धूल आई कहाँ से, दूसरी चीज, ये धूल आ गई है तो फिर साफ होगी या फिर नहीं, और तीसरी, अगर साफ होगी तो कैसे। बाय द वे, कुछ माइक्रोमैक्स के जो हेटर्स हैं वो शायद सोचते रहते हैं हमेशा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि भाई तू माइक्रोमैक्स की तरफदारी लेता है और माइक्रोमैक्स की साइड लेता है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उन लोगों के लिए 2 लाइन, ना तो मैं किसी फ़ोन की एक्स्ट्रा तारीफदारी करता और ना ही किसी की साइड लेता। माइक्रोमैक्स में जो चीज़ अच्छी है वो मैंने हमेशा अच्छी बोली है और किसी और फ़ोन में वो भी अच्छी बोली है। और इस चैनल पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी फ़ोन को बिना वजह हेट किया जाए। तो इसलिए जो माइक्रोमैक्स में अच्छा था, लाइक एज इसका डिस्प्ले, इसका परफॉर्मेंस, वो मैंने हमेशा अच्छा बोला। और कुछ प्रॉब्लम थी जैसे इसके स्पीकर में जो प्रॉब्लम आई थी वो मैंने हमेशा बताई, और आज इस फ्रंट कैमरे में डस्ट आ गई है तो उसकी प्रॉब्लम को भी आपको बता रहा हूँ। तो आई होप जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ओके, तो सबसे पहले ये धूल आई कहाँ से है, तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये धूल हर यूनिट में नहीं आई है, आई मीन मेरे वाले फ़ोन में आ गई है, मेरे दोस्त के पास है उसमें नहीं आई है। तो मे भी ये 50-50 रीजन है कि कुछ फ़ोन्स में आई है और कुछ फ़ोन्स में नहीं आई है। अब बात करते हैं कि ये धूल आई है तो फिर एक्चुअल में आई कहाँ से है। तो आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि जो इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक है वो कैमरे के जस्ट पास में लगा हुआ है, और मेरे में जो नॉइस कैंसिलेशन माइक है वो कवर नहीं रहता, ओपन रहता है, बिकॉज मैं इससे वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। तो वहाँ से धूल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मेरे को प्रोबेबली लगा है कि वहीं से आई है। और इसका एक और रीज़न ये है कि मेरे दोस्त के पास जो फ़ोन है उसने उसको टोटली लेमिनेट करा लिया है, तो उसका जो नॉइस कैंसिलेशन वाला जो सेक्शन है वो भी लेमिनेट है, बंद है, तो उसके में इसलिए धूल नहीं आई, और मेरा जो खुला है तो इसलिए यहाँ से धूल आ गई है। बट आप में से काफ़ी सारे लोगों के तिक्रमबाजी दिमाग में कुछ अंडरस्टैंड चीज़ें आ रही होंगी कि भाई फिर और किसी फ़ोन में क्यों नहीं आती। तो मेरे प्यारे सुनो, इस रेट में आई मीन 10-11 हज़ार में जितने भी आजकल फ़ोन आ रहे हैं, लाइक जो रियलमी के आ रहे हैं, जो ओप्पो के आ रहे हैं, जो वीवो के आ रहे हैं, या फिर जो रेडमी के आ रहे हैं, या सैमसंग किसी के भी आ रहे हैं, उनमें से 95% फ़ोन्स में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक को नहीं दिया गया। वो माइक को ही हटा देते हैं तो फिर कोई झंझट ही नहीं, और विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज जब भी आपका मार्केट में हो या फिर कहीं आउटसाइड हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे साउंड वगैरह काफ़ी आता है, और वहाँ पे अगर आप कॉल कर दे तो आपकी जो कॉलिंग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है, काफ़ी नॉइजी कॉल आती है। तो इसलिए माइक्रोमैक्स ने स्टेप तो काफ़ी अच्छा उठाया कि यहाँ पे जो नॉइस कैंसिलेशन माइक है वो दिया गया, बट जो प्रॉब्लम है कि ये कैमरा के काफ़ी ज़्यादा पास में, आप आई थिंक वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो उस वजह से यहाँ पे जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो आ गए हैं। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, ये साफ होगी या फिर नहीं। तो इसमें मैं पहला पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरी तरह एकदम टेक्नीशियन वेक्नीशियन वाले दिमाग के हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी गैजेट खराब हो जाता है तो खुद ही खोलने लग जाते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप ऐसा मत करिएगा, बिकॉज इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपका फ़ोन का बैक पैनल रिमूव होगा और अंदर के जितने भी मसाले हैं, CPU कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, ये बोर्ड, फलाना ढिमकाना जो भी कुछ है, वो सभी चीज़ें साइड में होंगी, और हम फ़ोन को तब तक खोलेंगे जब तक इसका फ्रंट ग्लास पैनल नहीं आ जाता और इसको मैनुअली कॉटन वगैरह से क्लीन करना पड़ेगा। तो ये तो है सिंपल प्रोसेस, और आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसको कर भी लें, जिनका कोई दुकान है या फिर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह जो करते हैं वो इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए। अब जो फाइनल रीजन है कि अगर ये साफ़ होगी तो फिर कैसे होगी, तो ये डेफिनेटली साफ़ हो सकती है, और आप चाहें तो इसको ईजिली साफ़ करवा सकते हैं, वो भी जस्ट 2-3 घंटे के अंदर। आप माइक्रोमैक्स के नियर बाई सर्विस सेंटर पर जाइए और वहाँ पर बोल दीजिए कि आपके फ्रंट कैमरे में धूल घुस चुकी है, आपको इसको क्लीन करवाना है बस, और वो आपका अगर फ़ोन अंडर वारंटी में है, तो आई होप आप सभी लोगों के अभी फ़ोन तो अंडर वारंटी में ही होंगे क्योंकि 6-7 महीने तो फ़ोन को लॉन्च हुए हुए हैं, तो वो आपको ईजिली क्लीन करवा देंगे। और इस कंप्लीट प्रोसेस को करवाया टैग बोर्ड नाम के यूट्यूब चैनल है कुलाल और मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने ये करवाया और उन्होंने इसको वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैं उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, बट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा और आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि छोटा सिटी है, लाइक जो मेरा हाथरस है, ये काफ़ी छोटा सिटी है, तो यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है वो उसकी क्वालिटी आपको उतनी अच्छी मे बी ना मिले, बिकॉज जब भी देखो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी
कोई चीज़ अगर फैक्ट्री मेड आती है, जो सील्स वगैरह हैं, जो पैकेजिंग वगैरह है, वो सभी चीज़ें एकदम फैक्ट्री मेड होती है तो उसकी अलग ही बात होती है। बट आपका फ़ोन एक दो बार खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो थोड़ी बहुत जो वाटर की रेजिस्टेंस है या फिर डस्ट की रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल दूर दूर हो जाती है। तो मैं आपको पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके फ़ोन एक दो महीने ही लिया हुआ है तो आप इसको ओपन करवाएं और धूल को हटवाएं, बिकॉज अभी आपकी 1 ईयर की वारंटी बची हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका फ़ोन जब भी 11वें महीने में चल रहा हो, लाइक ऐसा आपने अगर जनवरी में लिया है, तो जब भी आपका नवंबर के अराउंड आपका फ़ोन हो तब आप जाइए सर्विस सेंटर, और किसी अच्छे बड़े सिटी के सर्विस सेंटर पर जाइए और वहाँ पर बोल दीजिए धूल वगैरह फंस गया है, आप इसको क्लीन कर दीजिए, ईजिली वो आपको क्लीन कर देंगे। और मेरी टेक बोर्ड जो चैनल है कुणाल, उनसे काफ़ी बात हुई और उन्होंने बताया कि ईजिली क्लीन कर दिया और काफ़ी अच्छा है उनका एक्सपीरियंस रहा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस, अगर आई तो यहाँ से आई, नॉइस कैंसिलेशन माइक से साफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप चाहें तो कैसे साफ करवाएंगे, आप सर्विस सेंटर चले जाइए, ईजिली साफ हो जाएगी। तो आई होप जो होल प्रोसेस मैंने बताया वो मैंने आपको सही बताया होगा। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे प्रिकॉशन दे देता हूँ कि बहुत सारे टेकी लोग होते हैं वो सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे, तो भाई ऐसा मत करना, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज यार कहीं ना कहीं से ओपनिंग रह जाती है और फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो सर्विस सेंटर जाना जब भी फ़ोन 11वें महीने के अराउंड चल रहा हो और आप इसको ईजिली क्लीन करवा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और भाई ये लोग, ये वीडियो दूसरी बार शूट हो रहा है, कल मैंने शूट किया और उसका पूरा ऑडियो करप्ट हो गया, बहुत बुरा लगा यार। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर केवल माइक्रोमैक्स या इंडियन ब्रांड्स की केवल तरफदारी की जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, नहीं, जो प्रॉब्लम है वो भी बताई जाती है और जो चीज़ अच्छी है वो भी बताई जाती है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोनों चीज़ एकदम जरूरी भी है और फ्री भी है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।